हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पर फॉलो करें हमें स्टे होम एंड कीप लर्निंग को, और जिसे भी पीडीएफ चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए किसने किसने ज्वाइन किया है टेलीग्राम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज अ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इन एटमोसफेयर। ये तो सही है। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड एटमोस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रो रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन कार्बन। ये रॉन्ग लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है, गैसेस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नेग्लिजिबल। ये भी सही है। फास्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है फास्फोरस। ओके, तो इसमें रॉन्ग आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ओके, रॉन्ग, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रो रेनफॉल आर मच ग्रेटर देन कार्बन। ओके, हिंदी में देख लेते हैं, गलत कथन को पहचानिए, कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस की कोई श्वसन रिहाई नहीं होती। ये भी सही है। वर्षा के माध्यम से फास्फोरस के वायुमंडलीय इनपुट कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये गलत है। ओके, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय नगण्य है। तो ये सही स्टेटमेंट है। ओके, न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस प्रमुख घटक होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैटल्स डज नॉट ग्रेज ऑन कैलोट्रॉप्स। कैलोट्रॉप्स पर पशु क्यों नहीं चढ़ते हैं। तो कैलोट्रॉप पर पशु क्यों नहीं चढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, वे अरुचिकर होते हैं, उनके कांटे होते हैं, वे कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करते हैं, या पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इसमें रॉन्ग क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कैलोट्रॉप्स पर पशु क्यों नहीं चढ़ते हैं, वे कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करते हैं। ओके, इसलिए कैलोट्रॉप पर पशु नहीं चढ़ते हैं। व्हाई कैटल्स डज नॉट ग्रेज ऑन कैलोट्रॉप्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, व्हाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक। तो क्यों लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, हिंदी में देखते हैं, लॉजिस्टिक विकास मॉडल अधिक यथार्थवादी क्यों है। तो क्यों है अधिक यथार्थवादी, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, रिसोर्स फाइनली बिकम लिमिटेड, पॉपुलेशंस आर इन्फिनाइट, देयर इज अ अनलिमिटेड रिसोर्स, देयर इज अ नो कंप्लीशन फॉर सेम रिसोर्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, व्हाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, बिकॉज रिसोर्स फाइनली बिकम्स लिमिटेड। ओके, हिंदी में देख लेते हैं, लॉजिस्टिक विकास मॉडल अधिक यथार्थवादी क्यों है, क्योंकि संसाधन अंततः सीमित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप इज एन इकोसिस्टम कैन बी डिपेक्टेड इन। तो क्या होता है इसमें, ऑप्शन देखते हैं पहले, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ऑल ऑफ द एवर, इनमें से सभी। एक परिस्थिति
की तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो कैसे वर्णित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी, ओके। ऊर्जा का पिरामिड से भी, बायोमास का पिरामिड से भी, असंख्या का पिरामिड से भी। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जाता है? ये तीनों से, ऊर्जा, बायोमास, संख्या का पिरामिड। ओके, ऑल ऑफ द एवव। द रिलेशनशिप इज एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन ऑल ऑफ द एवव। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। ओके, एनर्जी, बायोमास, नंबर, ये सबसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट इज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज। इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट इज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज। क्यों नहीं एक्सेप्टेड किया गया था? क्योंकि पहले ऑप्शन देखते हैं। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट हैज ओनली फोर लेवल, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फूड चेन विच इज नॉट एग्जिस्टेड नेचुरली, नो प्लेस फॉर प्रोड्यूसर। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फूड चेन विच इज नॉट एक्सेप्टेड एग्जिटेड सॉरी एग्जिटेड नेचुरली। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती है क्योंकि क्योंकि इसका निर्माण खाद्य श्रृंखला पर किया गया है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एग्जिटिंग स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ इज। पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजाति है। तो कौन सा प्रजाति विलुप्त हो रही है? एग्जिटिंग स्पीसीज है अर्थ पर। ऑप्शन क्या क्या है? टाइगर, राइनोसेरस, चीता, स्टेलर सी कॉ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, स्टेलर सी कॉ। तो स्टेलर समुद्री गाय। ठीक है, पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजाति कौन सी है? स्टेलर समुद्री गाय। ओके, रिसेंटली एग्जिटिंग स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ इज स्टेलर सी कॉ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द IUCN रेड लिस्ट 2004 इज। द नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द IUCN रेड लिस्ट 2004 इज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 30,000, 15,500, 1,40,000, 35,000। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 15,500। ओके, द नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द IUCN रेड लिस्ट 2004 इज 15,500। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, IUCN की 2004 की लाल सूची में दर्ज की गई खतरे में प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो 15,500। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूशन इन इंडिया। निम्न में से कौन सा पक्षी भारत में लुप्त होने के कगार पर है? तो कौन सा पक्षी लुप्त होने के कगार पर है? एग्जीक्यूशन इन इंडिया। तो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देखते हैं। पीकॉक,
पिंटल डक्स, हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज वन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया? तो कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बर्ड्स जो है ना, पक्षी लुप्त होने के कगार पर है। ओके, नेक्स्ट। द प्लांट कंसिडर एज टेरर ऑफ बंगाल इज, द प्लांट कंसिडर एज टेरर ऑफ बंगाल इज, बंगाल का आतंक किस पौधे को माना जाता है? तो कौन से पौधे को माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इकोर्निया। ओके, द प्लांट कंसिडर एज टेरर ऑफ बंगाल इज, इचोर्निया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज्ड किया था? ऑप्शन देते हैं, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल अर्नेस्ट बियर, लुईस पाश्चर, हुगो डी वेरिस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ओके, विकास के लिए भ्रूण विज्ञान का समर्थन इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अर्नेस्ट हैकल द्वारा। किनके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।